होगी फुल लाइट में रही हूँ। क्यों नहीं बैठ अब सारे जुगाड़ रखा भाई। 12:40 हो चुकी हैं और हम लोग अभी पहुंच चुके हैं लांड्रा अपना मोहाली में। और फिलहाल ये इतनी तगड़ी सी लैंडस्लाइड हो रखी है, अब भी हुई है या फिर किस टाइम कंफर्म नहीं है। कोई कार पे पत्थर गिरने की वजह से मतलब रोड ब्लॉक हो, कार में पत्थर गिरने की वजह से ना एक बंदे की भी शायद मौत हो गई है। तो अभी हम लोग फिलहाल जा रहे हैं अपना यहाँ से वापस, अपनी पूरी हो चुकी है। तो फिलहाल मैं निकल रहा हूँ एक छोटी सी प्यारी सी ट्रिप पे। ट्रिप अब की बार पैकिंग देख के आप लोगों को ये लग रहा होगा कि भाई मतलब बाइक नहीं लेके जा रहा। हाँ तो बाइक नहीं लेके जा रहे, इस बार हम लोग लेके जा रहे हैं अपना। थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा वो तो क्या लेके जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो ट्रिप रहने वाली है बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाली है। और अगर टाइम की बात करूँ तो अभी टाइम बज रहे हैं 7:30 हो चुके हैं, 10 बजे यहाँ से निकलने वाले हैं। पूरी रात ड्राइव करेंगे तो भाई मनाली क्रॉस कर देंगे। फिलहाल अमित भाई लेने के लिए आ चुके हैं। टाइम की अगर बात की जाए तो टाइम हो रखा भाई साहब 10 बज चुके हैं और अमित भाई अभी 10 मिनट पहले ही आए थे। तो सामान अपना पूरा का पूरा लोड करके हम लोग निकल लिए हैं। फिलहाल हम लोग हैं जामनी अड्डा पे। आप एक बार जिमनी में सामान देखो कितना ज़्यादा मतलब ऐसे ही पड़ा है ये सारा का सारा सामान। जब हम मतलब लेटेंगे या फिर दिन में जहाँ पे भी गाड़ी रोकेंगे उस टाइम ही सेट होगा, अभी फिलहाल कुछ नहीं सेट करे। तो फिलहाल हम लोग 152D अपना रूट पकड़ने वाले हैं यहाँ से, जो डायरेक्ट हमें उतारेगा अम्बाला। ये फ़ायदा हो गया हमारे घर के पास से ही, अदरवाइज तो हमें पानीपत होके जाना पड़ता था। अपना टैंक रिफिल कराने के लिए एक बार यहाँ पर लिया ब्रेक और करवाते टैंक रिफिल। ऑलरेडी मतलब काफ़ी ज़्यादा है पेट्रोल गाड़ी में, लेकिन फिर भी और जिमनी की एक लुक दिखा देता हूँ आप सभी को। तो और आज हम लोगों ने दिन में मतलब अमित भाई के चैनल का जो नाम है एक्सप्लोर ऑन व्हील ये यहाँ पे करवाया, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब ये भी इसी में रखा देखा अगर वहाँ पे ले 800 पकट ले लिया है, 1000 रखा आएगा। हाँ होगी फुल लाइट में रही हूँ, क्यों नहीं भाई अब सारे जुगाड़ रखा। बस 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 कार्ड है, कार्ड है। ये दिक्कत भाई। तो फिलहाल जैसा कि आप लोगों ने देख लिया कि जिमनी का टैंक फुल करवा दिया हम लोगों ने, तो फिलहाल अब भी हम लोग करने वाले हैं जिमनी की मतलब टैंक टू टैंक जो एक माइलेज टेस्ट है वो देखेंगे कि कितने रुपए का अभी फुल हुआ है टैंक। और जो नेक्स्ट रिफिल कराएंगे उसमें ये देखेंगे कि जिमनी कितना किलोमीटर निकालेगी और कितनी माइलेज निकालेगी। तो अभी फिलहाल जो जिमनी की अगर ओडो बताऊं तो मैं कितनी चली हुई है, अभी दिखाई देता हूं आपको। तो यहां पे देखिए 1571 चली हुई है। तो अगली जो डायरेक्ट वहीं पे दिखाऊंगा रिफिल करवाते टाइम की भी कितना एक्चुअल जो माइलेज रहेगी वो अभी पता चलने वाली है जिमनी की। तो चलिए तो भाई फिलहाल 152D का एग्जिट आ चुका है अपना और मेरी तबीयत हो ली है खराब क्योंकि एसी की वजह से ना काफी हो गया और यहाँ पे फास्ट टैग चल गया। चलो तो तबीयत ना मेरे को कोल्ड सा फील हो रहा है और अमित भाई है अपना एसी कम करने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मेरे को लगता है जंप कार तक ये मुझे मार डालेंगे। 26 में एसी चल रहा है, भगवान के नाम पे बचा ले रे बाबा। तो टाइम की अगर बात करें तो टाइम हो रखा है भाई 12:40 हो चुकी हैं और हम लोग अभी पहुंच चुके हैं लांड्रा अपना मोहाली में। और अभी तक अपनी जो गाड़ी है वो चली है जी 1733 किलोमीटर और 2 डंडे कम हो चुके हैं भाई साहब, मतलब काफ़ी अच्छी माइलेज निकाली है। तो अभी ड्राइवर चेंज कर दिए हैं, तो अभी अमित भाई थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और अभी मैं चलाऊंगा। तो उम्मीद है कि भाई अभी मैं मंडी से आगे ही रोकूंगा गाड़ी को, तो बाकी देखते हैं। और अंधेरा है तो भाई इतना कुछ खास है भी नहीं दिखाने को, तो अभी सीधा मिलते हैं आपको मंडी या फिर अगर बीच में रुकते हैं तो वहाँ पर मिलते हैं। तो सोएगा भाई ना, देखते हैं ठीक ना। यहाँ पे खरड़ से निकलने के बाद 15-20 किलोमीटर क्रॉस कर दिया और अपना यहाँ पर लिया एक छोटा सा ब्रेक क्योंकि सीन कुछ ऐसा हो गया। अभी हम लोगों को पता चला कि भाई आगे में भी हो सकता है रास्ता ब्लॉक है शायद, मतलब कुछ कंफर्म नहीं है अभी तक। अमित भाई आपने चेक किया था तो क्या देखने को मिला है? तो मतलब अपडेट है भी और नहीं भी अपडेट है, लेकिन वो 11 घंटे पहले की है, लेकिन ये कोई नई अपडेट नहीं है कि भाई अभी रास्ता बंद है या ओपन हुआ। ओपन ना होने की भी कोई अपडेट नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा सी यहाँ पे बैठ के चाय पियेंगे और चाय पे थोड़ा डिस्कस करेंगे कि भाई क्या करना है, रूट चेंज करना है या फिर जो भी प्लान रहेगा वो अभी चाय पीते टाइम ही चेंज करेंगे। तो भाई ये हमारी पहली टनल
जो कि अभी नया वाला हाईवे बना है ना मनाली वाला, उसकी तो भाई टनल काफ़ी अच्छी है। फिलहाल ये इतनी तगड़ी सी लैंडस्लाइड हो रखी है, अब भी हुई है या फिर किस टाइम कंफर्म नहीं है। पहले की दिखा भाई, बंद पड़ी है पहले का है ना। तो अभी फिलहाल हम लोगों ने गाड़ी पार्क कर ली अपना बस स्टैंड के सामने जो टैक्सी पार्किंग है उसमें। सीन कुछ ऐसा हो गया कि जो हमें अपडेट मिली थी रास्ते में कि भैया आगे मतलब कोई कार पे पत्थर गिरने की वजह से मतलब रोड ब्लॉक हो गया है। मतलब ना कल क्या आज रात को ही, आज तो सॉरी 11 अगस्त को मतलब एक कार में पत्थर गिरने की वजह से ना एक बंदे की भी शायद मौत हो गई है। तो ये ऐसी न्यूज़ मिली थी और मे बी वही सेम सिचुएशन यहाँ पे है। तो उसकी वजह से जाम लगा हुआ था कम से कम 2 से 3 किलोमीटर का भाई। आधे रास्ते तक गाड़ी जैसे तैसे करके घुसाई भी और उसमें ये देखा कि भाई चलो मतलब काम चल जाए, क्या पता गाड़ी निकल जाए। हमें लगा कि ट्रक वाले जितने भी है बस वैसे लाइन लगा के सो रहे हैं, लेकिन भाई वो मतलब काम वैसा नहीं था क्योंकि वो जाम लगा हुआ है। तो पता किया तो बता रहे हैं कि भाई 9:30 बजे के बाद वो जाम खुलेगा। तो सोचा कि चलो यहाँ पे गाड़ी पार्क करके अपना आराम से यहाँ पे सो जाते थोड़ी बहुत देर। तो देखते हैं अभी एक लेते पावर नैप और उसके बाद मिलते हैं सीधा आपको मॉर्निंग में। तो गुड नाइट। इस टाइम वेदर की बात की जाए तो भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वेदर है क्योंकि इस टाइम बारिश बहुत ही तेज है और बारिश के मौसम में मतलब हिली एरिया हो ही जाते हैं खतरनाक। और स्पेशली यहाँ पे भाई मतलब पूछो ही मत, एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर है। एक्सपेक्टेशन से ऊपर कूद का जा। तो अमित भाई देखो आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे आ गए भाई। बारिश बहुत तेज है, वेदर की वजह से मंडी से हो लिए हम लोग वापस। सीन कुछ ऐसा हो गया कि भाई आगे का रास्ता ओपन होने के चांसेस ना के बराबर हैं और मतलब काफ़ी लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। जैसा कि आप लोगों ने कश्मीर वाली राइड पे देखा होगा रामबन में जाम लगा हुआ था, सेम वही सिचुएशन है। और 2-3 दिन की बारिश भी बता रखी है काफ़ी हैवी। तो इस वजह से ज़्यादा रिस्क हम लोग नहीं उठा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी जगह रात को लैंडस्लाइड देखने को मिली है। तो अभी हम लोग फिलहाल जा रहे हैं अपना यहाँ से वापस और देखते हैं अगर कोई और नया रूट प्लान करते हैं तो जैसा भी होगा वो तो आगे चल के ही पता चलेगा। क्योंकि क्या सीन है कि हमारा एक और जो मेंबर था वो आ रहा था तो हमें ये था कि 2 4x4 गाड़ियां हो जाएंगी तो हम दूसरे वाले रास्ते से हम चले जाएंगे प्रासर लेक वाला रास्ता, लेकिन हम एक गाड़ी के साथ रिस्क नहीं उठा सकते हैं। तो इस वजह से हमने फाइनली फैसला किया कि भाई वापस चलते हैं क्योंकि बारिश काफ़ी तेज हो रखी है। अगर बारिश नहीं होती और वो ट्रैफिक जाम नहीं होता तो इस टाइम हम अटल टनल क्रॉस कर देते, लेकिन भाई बारिश की वजह से क्या ही कर सकते हैं भाई। यहाँ पे अपना मंडी में जो गुरुद्वारा साहिब है यहाँ पे, तो देखते हैं भाई अगर यहाँ पे रूम वगैरह हमें मिल जाता है मतलब सेटलमेंट हो जाती है तो हम लोग फाइनली यहीं पर स्टे करेंगे। मतलब जब अपना रूट क्लियर होने के बाद यहाँ से निकल लेंगे, अदरवाइज तो रात का स्टे कर लेंगे यहाँ पे और थोड़ा सा देखेंगे मंडी घूम लेंगे और उसके बाद मंडी से निकल लेंगे जैसा भी रहेगा। तो एक बार अमित भाई जा रहे हैं रूम का कंफर्म करने के लिए, तो अमित भाई को दुआ सलाम और ऑल द बेस्ट अमित भाई। हाँ रूम ही लेना है, लेकिन रूम लेना एक जंग जीतनी है। और ये अपना रूम है, मतलब 6 बंदों के लिए रूम है ये। और मेरी तबीयत खराब हो चुकी है, नजला है, कोल्ड हो चुका मुझे। तो ये अपना रूम रहने वाला है, 6 बंदों का रूम है। तो अटैच वॉशरूम है, यहाँ पे अपना मिरर अलमीरा वॉशरूम काफ़ी सही है, डबल वॉशरूम दे रखा है तो ये भी अच्छी चीज़ है।